अंडर मेकअप के साथ साथ बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है, तो इसीलिए मैं शुरू करूंगी एक स्किन केयर से, क्योंकि मुझे लगता है कि स्किन केयर करने से आपके मेकअप की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा एनहांस करती है, साथ ही में आपका मेकअप लास्टिंग भी रहता है काफी ज्यादा टाइम तक। तो मैं शुरू करूंगी मेरी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट लॉरियल का ये प्योर क्ले मास्क के साथ, और इस मास्क को मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मास्क का ही नहीं साथ ही में एक एक्सफोलिएटर का भी काम करता है। तो स्क्रबिंग और अपनी स्किन का जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट होता है दोनों का ही रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर देता है। मैं इस मास्क को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी, फिर कुछ देर तक रख दूंगी जब तक कि ये सूख ना जाए। मैंने अभी इस मास्क को अप्लाई कर लिया है गाइस, अभी मैं इसको तब तक रख दूंगी जब तक ये सूख ना जाए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आऊंगी और इस मास्क को रिमूव करने का जो तरीका है उसको बताऊंगी। क्योंकि इस मास्क में छोटे छोटे बीड्स है जो एक्सफोलिएट करता है, तो जब ये सूख जाए हल्का पानी लेके आप इसको थोड़ा सा गीला करके अपने मुंह पे ऐसे सर्कुलर मोशन पे मसाज कीजिएगा, जिससे कि एक्सफोलिएशन होगा, और उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कीजिएगा। गाइस मैंने अपने फेस को अभी नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है, और ये मास्क अप्लाई करने के बाद सबसे ज्यादा मुझे यही अच्छा लगता है गाइस कि मेरा स्किन जो है ना बिल्कुल ड्राई फील नहीं होता है। यूज करूंगी लॉरियल का ये हाइड्रा फ्रेश जीनियस जेल, ये एक जेल फॉर्मूला वाली क्रीम है जो कि बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेट करती है, साथ में इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा लाइट है कि अगर आप इसको मेकअप के नीचे पहनेंगी तो आपके स्किन को ज्यादा भारी वाला या ग्रीजी वाला फील नहीं होगा। लॉरियल का मेरे पास एक ही प्राइमर है जो कि है लॉरियल का ये बेस मजीक प्राइमर, टेक्सचर पर बहुत अच्छा इस प्राइमर का, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूदन आउट करता है और आपके स्किन में एक ब्राइटनिंग तरीके का लुक भी देता है, क्योंकि इसमें हल्का सा पिंकिश टोन है टू ब्राइटन द स्किन। लगा लिया है और प्राइमर लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये सारे एरिया काफी ब्राइट हो गया है, जैसे मैंने कहा था। गाइस फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल का ये इनफॉलिएबल फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बहुत ही एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, इसका कवरेज लगभग हायर मीडियम से हायर कवरेज तक है, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके फेस पे ब्लेंड हो जाती है। इस फाउंडेशन का सबसे ज्यादा जो चीज मुझे पसंद है वो है कि ये पूरे दिन पूरे टाइम ये फ्रेश दिखता है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस इसका जो लास्टिंग पावर है वो बहुत ही अच्छा है। कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल का ये ट्रू मैच कंसीलर, ये कंसीलर मुझे काफी पसंद है, इसका जो शेड मैं यूज कर रही हूँ वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। ये कंसीलर काफी अच्छे तरीके से आपके स्किन के अंडर आई एरियाज, वो सारे एरियाज जहां पर मुझे कंसीलिंग की जरूरत है मैं अप्लाई करूंगी, फिर अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी। इसका जो कवरेज है वो मीडियम टू हायर मीडियम है, फुल कवरेज नहीं है, पर इसका ब्लेंडिंग का पावर बहुत ही अच्छा है। अभी मैं पूरे बेस को एक पाउडर प्रोडक्ट के साथ सेट कर ले रही हूँ। ब्राउज के लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल का ये ब्राउ पोमाड, इसमें जो शेड मैंने यूज किया है वो है ब्रूनेट, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल डीप चॉकलेट ब्राउन कलर है। इसको मैं यूज करके अपने जो आईब्राउज है उसको धीरे धीरे फिल इन करूंगी और उसकी जो डेप्थ है उसको और इंटेंसिटी है उसको ग्रो करूंगी। इसमें मैं मूव ऑन करूंगी टूवर्ड्स माई आई मेकअप, जिसके लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल का ये लिप टाइट पैलेट इन द शेड फेमिनिस्ट, एंड लॉरियल का जो ये ब्राउ किट है उससे मैं ये डीप ब्राउन शेड लूंगी। मेरे पास लॉरियल का ब्राउ किट भी है, अगर आप पोमाड नहीं यूज करना चाहते हो तो ब्राउ किट भी ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है। ये डीप ब्राउन शेड को मैं अप्लाई कर दूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड और ऑल्सो एट द आउटर वी, और धीरे धीरे कलर को बिल्डअप करूंगी टू क्रिएट अ इंटेंसिटी। अभी मैं इसी पैलेट से वो ब्यूटीफुल पर्पलिश कलर को लूंगी और इंटेंसिटी जो एरिया पे ब्राउन मैंने अप्लाई किया है उसी ब्राउन के ऊपर पर्पल को अप्लाई कर दूंगी। फिर मैं ये ब्यूटीफुल टर्कोइज ग्रीन वाला कलर को लूंगी और उसको अप्लाई कर दूंगी अपने आईलिड पे मिड वे तक, एंड मिक्स इट अप विद द पर्पल ब्राउन। आप देख सकते हो कि कलर का पिगमेंटेशन काफी अच्छा है, मैं ये तो नहीं बोलूंगी ब्लाइंडिंग है बट काफी बढ़िया है, एंड आप ट्राई कर सकते हो, काफी सारे डिफरेंट शेड्स और वैरायटी अवेलेबल है ये पर्टिकुलर आई शेडो रेंज पे। यूज करूंगी गाइस ये ब्यूटीफुल वाला शैम्पेन कलर और जिसको अप्लाई करूंगी एज अ ब्राउ बोन कलर, और आप देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से इसने मेरे ब्राउ बोन को हाईलाइट की है। अभी मैं वो डीपर चॉकलेट ब्राउन कलर को लेके फिर से अपने लोअर आईलिड पे पहले स्मोक आउट करूंगी, मैं वो ग्रीन कलर लूंगी लेके फिर से अपने फ्रंट कॉर्नर से लेके हाफ वे तक लोअर आईलिड में अप्लाई कर दूंगी। कॉर्नर पे मैंने वो पिंक शैम्पेनी कलर को ऐड किया है और आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं लॉरियल का ये वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा को लूंगी और अप्लाई कर लूंगी अपने लोअर लैशेस। अपर लैशेस में मैंने अप्लाई कर लिया था बिफोर अप्लाइंग द फॉल्सीज। यूज करूंगी ये ब्राउ किट, यहाँ से ये डीप ब्राउन कलर लेके मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी। मेरे पास लॉरियल का कोई कॉन्टोर किट नहीं है, पर ये जो ब्राउ किट है ये मल्टीपर्पज तरीके से काम आता है, इंक्लूडिंग कॉन्टोरिंग, क्योंकि लाइफ सब पीच ब्लश में से जो पीच कलर है उसको लेके मैं हल्का सा
पीच टोन दूंगी अपने चीक्स को। मैं बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग फेस मेकअप रखना नहीं चाहती हूँ बिकॉज आई मेकअप आर ब्राइट। हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल पेरिस का ये हाइलाइटर, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन हाइलाइटर है, शैम्पेनी गोल्ड कलर है, आप पिगमेंटेशन तो देख ही सकते हो काफी ब्यूटीफुल है। लॉरियल का इनफैलिबल मेकअप फिक्सर, ये मेकअप फिक्सर शायद मार्केट में मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेकअप फिक्सर है। ये मेकअप फिक्सर आपके मेकअप को काफी लंबे समय के लिए लास्ट करती है। फॉर माई लिप्स आई एम गोइंग टू यूज लॉरियल का ये न्यूली लॉन्च्ड रूज सिग्नेचर लिपस्टिक। इस लिपस्टिक के 12 शेड्स मार्केट पे है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ये पूरे सेट का गिव अवे कर रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आपको वो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है सारे डिटेल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप में से किसी एक जन को मिल जाएगा ये पूरा सेट रेड क्लच के साथ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है जिसका मैं गिव अवे कर रही हूँ। अभी आते हैं लिपस्टिक के ऊपर गाइस। ये लिपस्टिक का जो पैकेजिंग है आप तो देख ही सकते हो, फ्रॉस्टेड पैकेजिंग है और ब्लैक कैप है, और उसका डो फूड एप्लीकेटर काफी बढ़िया है और फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, जिससे कि ये आपके लिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई कर देती है। लिपस्टिक का फॉर्मूला काफी लाइट है, क्विकली मैट हो जाता है पर आपके लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता है। पिगमेंटेशन बहुत बढ़िया है, डीपर शेड्स आर मोर पिगमेंटेड, लाइटर शेड्स को थोड़ा सा लेयरिंग करने की जरूरत होता है। डीपर शेड रिमूव करने पर हल्का सा टेंट भी छोड़ता है आपके लिप्स के ऊपर। आइए चलते हैं अभी सारे शेड्स का स्वॉचेस देख लेते हैं।